नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा गुड़हल के बारे में। गुड़हल से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, इनकी पत्तियों का, फूल का क्या उपयोग होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है जो हम सभी के घर के आसपास होता है और ये आसानी से लग जाता है। इसकी खेती के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो अगर आप खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे जो है चैनल में आइए और उसमें टाइप कीजिए तो आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि गुड़हल के फूल के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। लास्ट में जो बैल है उसको ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ गुड़हल के फूल के फ़ायदे। दोस्तों, अगर आपको खून की कमी है तो गुड़हल के फूल के ज़बरदस्त फायदे हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या हो जाती है। गुड़हल के फूल में उपस्थित आयरन हमें एनीमिया की समस्या से निजात दिलाने में मदद करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए 40 से 50 गुड़हल के फूल की कलियों को अच्छी से पीस कर उसके रस को एक टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम एक महीने तक इस रस को दूध के साथ लेने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही इसका सेवन से स्टेमिना भी बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाती है। मासिक धर्म, महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के चक्र को नियमित बनाए रखने के लिए गुड़हल के फूल बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे महिलाओं का मासिक चक्र सही समय पर नहीं आ पाता। ऐसे में गुड़हल की पत्ती से बनी चाय पीनी चाहिए, जिससे मासिक धर्म के चक्र में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। एंटी एजिंग, गुड़हल की पत्तियां महिलाओं के एंटी एजिंग की समस्या को दूर करने में असरदार औषधि का काम करती है। गुड़हल की पत्ती शरीर के फ्री रेडिकल्स को हटाने का काम करती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और हमारी त्वचा जवान और खूबसूरत दिखने लगती है। उच्च रक्तचाप में फायदा, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी गुड़हल के ज़बरदस्त फायदे हैं। हाई बीपी की समस्या के लिए गुड़हल की पत्ती से बनी चाय बहुत ही लाभकारी होती है। इसके सेवन से हमारे हृदय की गति सामान्य हो जाती है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। वजन कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। गुड़हल का सेवन करने से जो है वजन कम होता है। इसकी गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय आप पिए, इससे जो है आपका वजन कम होगा, पाचन क्रिया ठीक होगी, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि गुड़हल की पत्तियों में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो हमारे चेहरे की झुर्रियां, मुहांसे, दाग धब्बे को ठीक करते हैं। गुड़हल की पत्तियों को पानी में उबालकर अच्छी तरह पीस लें। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा करके आपके चेहरे का रूखापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी दिखने लगेगी। गुड़हल की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाने से सूजन और जलन से आराम मिलता है। हिबिस्कस के फायदे, सर्दी और जुकाम में गुड़हल की पत्ती में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे ये हमें सर्दी और जुकाम से राहत दिलाने में मदद करती है। गुड़हल की पत्तियों की चाय बनाकर पिए, अगर किसी को किडनी में स्टोन की समस्या है तो हिबिस्कस पाउडर का और गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय का सेवन करें। इसके उपयोग से किडनी स्टोन की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, किडनी अगर किसी को है तो ये बहुत ही असरकारक दवा है। आप इसकी चाय पीजिए, पत्तियों की बनी चाय पीजिए और जो है
अगर आप अगर आसानी से अगर गुड़हल का पाउडर बना सकते हैं तो उसका सेवन करें, और जो है अगर वो आपको अगर आप नहीं मिलता है तो आप जो है किसी भी जो है पंसारी या गूगल से आप मंगा सकते हैं। तो गुड़हल का पाउडर जो लाइए उसको लीजिए, रात को खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है, एक चम्मच लेना है। तो लेने के बाद अगर जिनको किडनी स्टोन की समस्या है तो जो है वो कितनी 21 mm की जो है अभी तक के जो है सूत्रों से पता चला है कि 21 mm की पत्थरी को जो है इस पाउडर के द्वारा तोड़ तोड़ के अपने आप निकल गई है। दोस्तों आप अगर किडनी से परेशान हैं तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर किडनी स्टोन है आपको तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद बहुत कारगर है। तो आप जो है इसका जो है चाहे तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आसान तरीका है या तो आप चाय बनाएं इसके पत्तियों का, वो तो लें ही, साथ में जो है गुड़हल के फूल हैं उनका जो पाउडर है वो, अगर आपको गुड़हल के फूल अगर मिल जाए तो उसका पाउडर बना लें और एक चम्मच आप रात को ले सकते हैं, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। गुड़हल के फूल की चाय बहुत सारी समस्याओं से जो है हमें राहत दिलाती है, डिप्रेशन और मूड सही करती। क्या नुकसान है वो भी बता देता हूँ। गुड़हल की चाय उन महिलाओं के लिए असुरक्षित है जो गर्भवती हैं, जो प्रजनन उपचार के दौरान दौर से गुजर रही हैं, ऐसे में जो है इन्हें नहीं खाना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी इसकी चाय नहीं पीनी चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। गुड़हल की चाय पीने से नींद आने लगती है दोस्तों, तो अगर आप वाहन ड्राइव कर रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। उच्च रक्तचाप को कम करती है, निम्न रक्तचाप वाले इसे ना खाएं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों किडनी स्टोन के बारे में और आपको बताना चाहूँगा, किडनी स्टोन दोस्तों किडनी स्टोन के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो मैं अभी संपूर्ण इसके बारे में बता देता हूँ। ये गुड़हल का जो फूल होता है ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अगर कहीं ना मिले तो इसका पाउडर किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप इसे गूगल से ले सकते हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, या फिर आप जो है किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाके ले सकते हैं, तो इसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर ऑर्गेनिक गुड़हल पाउडर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, सबसे बेहतर है और काफ़ी असरदार भी होता है। गुड़हल के पाउडर को एक चम्मच रात में सोते समय खाना खाने के 1-2 घंटे बाद गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। जितनी भी सेहत के लिए सही चीज़ें होती है वो स्वादिष्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह इतना कड़वा भी नहीं होता कि आप इसे खा नहीं पाएंगे। इसका खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, पानी पीना है बस। यदि स्टोन का आकार में बड़ा है तो थोड़ा दर्द हो सकता है, क्योंकि इसको लेने के बाद स्टोन टूटता है, ये दर्द इसी की वजह से होता है। क्या क्या सावधानी रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस दौरान आपको जो है पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है और चुकंदर नहीं खाना है, भिंडी इत्यादि का सेवन ना करें। अगर आपका स्टोन का आकार बड़ा है तो ये टूटते समय आपको ज़रूर दर्द होगा। आप लोग अपने विवेक से इसका प्रयोग करें, अगर किसी चिकित्सक की उपस्थिति में किया जाए तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों किडनी के स्टोन को जो है आसानी से आप जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसकी चाय पीजिए, इनके पत्ती की चाय पीजिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अगर शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो ज़रूर कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें, ताकि मैं जो है आपको आपकी पसंद के प्रोग्राम आपकी फरमाइश के अंतर्गत आपकी फरमाइश पूरी कर सकूं। दोस्तों चलते चलते ये भी बता दूं कि ये जो है सर के बाल
जो है, अगर आप लंबा अगर करना चाहते हैं, गंजेपन से परेशान है या रूसी से समस्या है, तो इसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।